नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। रीवा जिले में एक बार फिर हिंदू धर्म के ठेकेदारों के द्वारा हिंदुओं के आस्था के केंद्र हनुमान मंदिर को धराशायी कर दिया गया। यह मंदिर दो दशकों से अधिक समय से एजी कॉलेज तिराहे पर बना है, जहां दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां लगभग 5 वार्डों के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते थे। बुधवार की सुबह 4 बजे भारी पुलिस हमले के साथ पहुंचे नगर निगम प्रशासन ने मंदिर को जमींदोज कर दिया। जब तक हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों को कोई जानकारी हुई, तब तक मंदिर पर JCB चल चुकी थी। जानकारी लगते ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र गौतम, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के साथ सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और मंदिर के स्थान पर रामचरित अखंड मानस कीर्तन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें मंदिर नहीं मिलेगी, तब तक अखंड कीर्तन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि शहर में दर्जनों दूसरे धर्म के चबूतरे बने पड़े हैं। अस्पताल चौराहा, अमहिया, धोबी अटंकी, प्रकाश चौराहे में 20 सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या, धर्म के ठेकेदार नेताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हिंदू धर्म पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। सनातन धर्म पर आघात पहुंचाने वालों को जनता नहीं बख्शेगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मंदिर किसी विकास में बाधा बन रही थी तो समुदाय के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी। उस मंदिर को दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर सुबह 4 बजे मंदिर को तोड़ा गया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि आसपास के जनप्रतिनिधि अगर समर्थन करने नहीं पहुंचते हैं तो वोट मांगने के लिए मोहल्लों में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी विश्वविद्यालय इटौरा में परशुराम आश्रम को धराशायी किया गया था, जहां बाद में समाज के लोगों ने दबाव बनाया तो उसको पुनर्स्थापित किया गया। एक बार फिर AG कॉलेज में हिंदू धर्म पर प्रहार किया गया है। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। अतिक्रमण इसे नहीं कहना चाहिए। अतिक्रमण वह होता है जो किसी दूसरे की जमीन पे जबरदस्ती बनाया जाए। ये किसी के द्वारा जबरदस्ती नहीं बनाया गया। जबरदस्ती बनाया गया होता तो उसी समय विवाद होता जब ये बना था। जब ये बना था तब विवाद यदि नहीं था तो आज ये अतिक्रमण कैसे हो गया। मेरे से ये बताइए कि यह मंदिर पिछले 15-20 सालों के पहले से बना हुआ है। मेरी जानकारी में आज अचानक से हटाने का ऐसा कौन सा कारण था? किसी ने कहा अभी यहाँ पे कि भाई आदेश था या क्या था? सार्वजनिक स्थल का यदि कोई आदेश था तो सार्वजनिक रूप से सूचना होनी चाहिए थी। आम सूचना होती, बैठक होती, किसी को बुलाया जाता, भक्तों को बताया जाता। यहाँ स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ अनवरत बैठेंगे और जब मंदिर लेके यहाँ सुंदरकांड चलता रहेगा, रामचरित मानस चलती रहेगी और सारे श्रद्धालु पूरे एरिया से, इवन पूरे गांव में, ग्रामीण एरिया से भी लोग सभा रहे हैं और सबकी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ से रोड निकलते थे तो एक आदत सी थी कि आदमी जब निकलता था तो यहाँ पूजा बहुत अच्छी होती, ईमानदारी की बात यह है, तो आदमी प्रणाम करता था। अभी मैं निकला तो उसी मन में कुछ और विचार चल रहा था, प्रणाम किया, समझ में नहीं आया। इतने कुछ लोग खड़े देखा तब ध्यान गया कि ईंटा पत्थर पड़े थे, तब समझ में आया कि मंदिर ये तो अति की पराकाष्ठा है। ईश्वर से आदमी को डरना चाहिए, हर आदमी, कोई कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, कितना भी सक्षम क्यों ना हो, भगवान का भय तो आदमी को रहना चाहिए। आदमी धर्म बुद्धि हो ना हो तो समाज न रह जाए। ईश्वर के बहाने, कम से कम ईश्वर की पूजा पाठ के बहाने आदमी प्राकृतिक सत्ता के प्रति जो विश्वास रखता है, चाहे कोई अल्लाह के रूप में रखे, जय श्री राम, चाहे श्री राम, चाहे हनुमान के रूप में रखे, चाहे कोई यीशु मसीह के रूप में रखे, कम से कम प्रकृति के प्रति अपनी आस्था रखता है। इससे वो धर्मबुद्धि बना रहता है तो पाप पुण्य करने में थोड़ा सा झझकता है। जिस दिन ये धर्म ही नहीं रह जाएगा तो आदमी आदमी को खा जाएगा। ये तो अति हो गई। सरकार की साजिश, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि इंसान से मत डरो पर ऊपर वाले से जरूर डरो, क्योंकि ईश्वर की लाठी बड़ी भयानक। पहली बात तो ये कि अतिक्रमण जो शब्द है वो यहाँ के लिए अतिक्रमण शब्द ही गलत है, पूरी तरह गलत है। यहाँ पर जो है
हनुमान जी का जो है मंदिर था और वह स्थापित थे, और ये किसी की भी जमीन नहीं थी। ये जमीन जो है, ये जो है पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ के क्षेत्र के लोग लगातार करते आ रहे थे। तो एक आस्था का केंद्र था। और कल शाम को मेरे साथ में, मैं खुद यहाँ पर पूजा अर्चना कल शाम को आरती में शामिल हुआ था। सुबेरे जब हम उठे तो जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है इसको, मंदिर को ढहा दिया गया। उसका जो है, हम सभी लोग जो है क्षेत्र के, इस पूरे रीवा जिले के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों ने वापस जो है हनुमान जी की मंदिर वापस स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर जो है लगातार जो है ये अखंड रामायण का जो है पाठ किया जा रहा है। और जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी सड़क हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसी प्रकार से मंदिर शासकीय जमीन बनता है। उस प्रकार से मंदिर में, ये यहाँ हनुमान मंदिर बना हुआ था, इसका बाकायदा ट्रस्ट था, लोगों के द्वारा आज तक पैसे जमा किए गए जाते थे यहाँ पर इस ट्रस्ट के साथ में। और सभी लोग, जब जानकारी मिली है, यहाँ सब समस्त लोग पहुँचे हैं, और इस बात के लिए पहुँचे हैं क्योंकि अब दोबारा शासन प्रशासन को मैं प्रमोद शर्मा आगाह करना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों तक इस क्षेत्र के अंदर में कोई भी किसी प्रकार का एक्टिविटी आपने जो किया था, अब इसके बाद यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर राम मंदिर वैसी वास्ते बनेगा। और मेरा चैलेंज है, समस्त क्षेत्र के लोगों का चैलेंज है कि अब ये भूमि स्वामी जो है यहाँ से दरवाजा नहीं खोल सकता। इस बात के लिए हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे रीवा शहर में जो राजनेता हैं वो जाके देखें, प्रशासन देखें, इल्लई राजा जी कलेक्टर महोदय देखें कि जाके कहां कहां पर सिर्फ जो है जगह जगह जहां पर मंदिर गिर रही है, वो मंदिर सिर्फ जो है हिंदुओं की मंदिर गिर रही है, कहीं पर कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई साईं मंदिर, किसी प्रकार कोई नहीं है। इस प्रकार घटना को पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और यहाँ पर जो है मंदिर बन के रहेगा। इस बात के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अखंड रामायण पे हम लोग लगातार चैलेंज। अगर पुनः नहीं बनाया गया तो इसमें आपका, पुनः बता दिया हमने, आज हमने सवेरे जो है फोन करके हुजूर SDM तिवारी जी को, यहाँ क्षेत्र के चौराहा TTI को बता दिया है कि यहाँ पर जो है 15, अब आपने काम कर दिया, अब 15 दिनों तक किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस अगर होता है तो हम लोग जो है बलि चढ़ने को तैयार है। इस बात के लिए मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहाँ की हमारी आस्था है। अगर हम लोग ये काम न कर पाए तो धिक्कार है हम लोग के ऊपर, ये बात हम कहना चाहते हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।